न्यूज इन इंडिया पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर के हलचल तेज हो चुकी है। बहुत बड़ी खबर मिल रही है क्योंकि शाम को 4 बजे विधायक दल की बैठक होने वाली है। उससे पहले जानकारी ये मिल रही है कि वहां पर हलचल तेज हो गई है। जो बीजेपी दफ्तर है वो सजा हुआ है। यहाँ से पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होने वाले हैं। ऐसे में वहां पर गहमागहमी तेज है। ऐसे में किस पर आलाकमान ने भरोसा किया है, कौन राजस्थान की गद्दी पर राज करने वाला है, कौन मुख्यमंत्री होगा, क्या कोई विधायक में से मुख्यमंत्री बनेगा, तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन बीजेपी ने सभी विधायकों को 1 बजे तक जयपुर बुलाया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 1 बजे तक सभी विधायकों को जयपुर में एकजुट होने के लिए कहा गया है। बीजेपी ने सभी विधायकों को बुलाया है। राजस्थान में सीएम को लेकर के हलचल बहुत तेज हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं। हमारे जैसा बाकी दोनों स्टेट में हुआ है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, वैसा ही प्रोसीजर यहाँ भी रहेगा। पर्यवेक्षक आ रहे हैं, तीनों एक साथ ही आ रहे हैं। थोड़ा जल्दी आने वाले थे लेकिन किसी कारण से थोड़ा विलम्ब हो गया है, तो 1 बजे का पहले पहले वो यहाँ पहुँच जाएंगे। सारे विधायकों को भी 1 बजे ही बुलाया है और उनको सबको भोजन पर हम सारे साथ होंगे और उसके बाद में औपचारिक रूप से विधायक दल की बैठक होगी और उसमें जो होना है वो सारा उन पर्यवेक्षक क्या करेंगे वो उनके हाथ में। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया संवाददाता भवानी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। भवानी, ये बहुत बड़ी खबर है, 1 बजे सभी विधायक जयपुर में जुटेंगे, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये एक तरह से तैयारी पूरी शुरू हो रही है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। सबसे पहले विधायक 11 बजे से आने का सिलसिला शुरू हो गया। अभी आप देखिए कि तस्वीरें बताते हैं हम, आप देखिए कि यहाँ अब तस्वीरों से देखेंगे पूरी तैयारी हो चुकी है। सीपी जोशी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंच चुके हैं। आप देखिए कि अभी अभी सीपी जोशी अंदर गए हैं, कुछ विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हैं। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला तकरीबन शुरू हो चुका है। एक के बाद एक विधायक यहाँ पर आते जा रहे हैं और अब 11 बजे से ये प्रोसेस शुरू हो चुका है और 1 बजे विधायकों का रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद में एक विधायकों का फोटो सेशन होगा। राजनाथ सिंह पहुंचेंगे यहाँ पर जयपुर में 12 बजे। उसके बाद में फिर पार्टी दफ्तर आएंगे, विधायकों के साथ में फोटो सेशन होगा, उसके बाद में लंच और उसके बाद में विधायक दल की बैठक होगी। और 4 बजे जो आधिकारिक बैठक जिसके अंदर नए विधायक दल का नेता यानी कि मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा, वो 4 बजे होगी। 4 बजे, 4 से 4:30 बजे के बीच में पता पड़ जाएगा कि राजस्थान का नया सीएम कौन होगा। तैयारियां घमाघमी जारी है। कई तरह की बहुत बड़ी खबर हम बता रहे हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर के। और इस बीच पर्यवेक्षक पहुंचने वाले हैं, जो तीनों पर्यवेक्षक है जिसमें राजनाथ सिंह है, वो अभी निकलेंगे दिल्ली से जयपुर के लिए और 12 से 12:15 बजे का समय होगा जब वो पहुंचेंगे। उसके बाद तमाम विधायक वहां पर जुटेंगे और फिर वहां पर रजिस्ट्रेशन होगा, फोटो सेशन होगा। न्यूज 18 संवाददाता भवानी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भवानी, पर्यवेक्षक तो पहुंचने वाले हैं, क्या वो आलाकमान का संदेशा लेकर के जाएंगे? कब वो विधायकों से मीटिंग करेंगे? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आलाकमान का संदेश क्या होगा। इसी पर सबकी नजर टिकी हुई है क्योंकि यहाँ पर किसी को ये जानकारी नहीं है कि कौन चुना जाएगा विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री कौन होगा। कहा जा रहा है कि SMS के माध्यम से, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर और मध्य प्रदेश में हुआ था कि SMS के जरिए पर्यवेक्षक को सूचना मिल सकती है कि, लेकिन राजनाथ सिंह का भी सीनियर नेता, अब देखते हैं कि आए हैं विधायक हैं, ये आए हैं। आप देखिए कि आप बताएं, थोड़ा सा नीचे करिए, क्लास नीचे करिए, क्लास नीचे करिए। आप देखिए आप क्या कहेंगे संदीप जी आप बताइए कि आज नेता चुना जाना आपकी पसंद क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित और कैडर बेस्ड पार्टी है। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण निर्णय हमारी हाईकमान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब और उच्च नेतृत्व जो तय करता है, वो सर्वमान्य नेतृत्व होता है और वो सभी उसका स्वागत करते हैं। क्या विधायकों में से ही होंगे सीएम जी? देखिए, इसमें तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो कुछ भी होगा वो राजस्थान प्रदेशवासियों के हित में होगा। आपका नाम भी चल रहा है, संदीप शर्मा के मुख्यमंत्री। संदीप शर्मा भी बन सकते हैं। तो वसुंधरा जी को लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सेवक हैं और संदीप शर्मा कोटा से विधायक है संदीप शर्मा। दूसरी बात, संदीप शर्मा चुने गए हैं और हालांकि संदीप शर्मा का खुद का भी नाम चला था, संदीप शर्मा सीनियर विधायक नहीं है ज्यादा,
दूसरी बार चुने गए। संदीप शर्मा कह रहे हैं कि जो भी चुना जाएगा विधायकों में से होगा और